नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात। और आज की बात में हमारा आज का विशेष है कोरोना पर वैक्सीन का महावार। जी हां, वैक्सीनेशन ही सुरक्षा कवच है और भारत में अब कोरोना की एक चौथी वैक्सीन भी आने वाली है। जल्द ही सिप्ला की वैक्सीन मॉडर्ना बाजार में आ जाएगी। सिप्ला कंपनी को आयात की इजाजत दे दी गई है। बाजारों में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लिहाजा वैक्सीन ही एक सबसे सुरक्षित उपाय है। 1 जुलाई को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान एक बार फिर शुरू हो रहा है। भोपाल में 50,000 नागरिकों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इस बार 6 SDM को 2,500 वैक्सीनेशन लगवाने का लक्ष्य दिया गया है। हर वार्ड में 250 टीके लगाए जाएंगे। फंदा बैरसिया ब्लॉक को 15,000 का टारगेट दिया गया है और इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। दीपक बलेचा हैं, बीजेपी नेता हैं हमारे साथ। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत। अमित तावरे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, आपका बहुत स्वागत। खिलावन चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। दीपक जी, क्या कहेंगे, वैक्सीन चौथी भी आने वाली है। सिप्ला की मॉडर्ना वैक्सीन को भी इजाजत दे दी गई है, आयात की मंजूरी दे दी गई है। महावैक्सीनेशन अभियान 1 जुलाई को फिर मध्य प्रदेश में जोर शोर से शुरू किया जाएगा और अकेले भोपाल में ही 50,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और निश्चित तौर पर उम्मीद की जाना चाहिए कि जो पिछले अनुभव रहे हैं उसके मुताबिक ये जो महावैक्सीनेशन अभियान है 1 जुलाई को जो होना है उसमें भी आशातीत सफलता हमें प्राप्त होगी। लेकिन इस बीच ये देखने में भी आ रहा है कि एक तरफ सरकार जुटी हुई है कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर, उसकी जो मुस्तैदी है वो दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, अनलॉक हो चुका है मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर। उसके बावजूद भी बाजारों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, फिर से लापरवाही देखने को मिल रही है। और एक तरफ ये महावैक्सीनेशन अभियान है, निश्चित तौर पर जब तक 70 से 80% आबादी को हम टीका नहीं लगा देते तब तक हम राहत की सांस नहीं ले सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि लोग भी इस बात को समझें, सरकार भी कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे? इसमें जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं कि हम दो वेव से सामना कर चुके हैं और दूसरी वेव में सभी ने अपनों को खोया है, जिसका दुख सभी को है। और उसके रूप में हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही कोरोना की जो वैक्सीन अभियान है और महाअभियान की तरह बिल्कुल जारी अग्रसर है। जैसा कि आपने अभी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मॉडर्ना की वैक्सीन जो है उसकी मंजूरी मिल चुकी है, उसके साथ साथ आपकी जो हमारी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है वो भी साल के अंत तक भारत में आने की पूरी संभावना है। उसके साथ साथ देखा जाए तो फाइजर ने इसी साल भारत को 1 अरब और अगले साल तक 2 अरब वैक्सीन देने की पूरी संभावनाएं अपनी व्यक्त की है। तो निश्चित रूप से हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि हमारे पूरे देश की जितनी भी जनसंख्या है उसमें कम से कम 80 से 90% की जो जनसंख्या है वो हमारे 2021 से 2022 के बीच में कवर हो जाए, ताकि जो हमारी कोरोना की जो तीसरी वेव है इसको हम आने से भी रोक पाए। और जो हमारा संकल्प है हमारी भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का कि निश्चित रूप से हमारी जनता का एक एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जनता का एक एक उनका स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है वो हमारे भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो अभी महाअभियान गया उसमें हमने 50 लाख गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया और निश्चित रूप से हम प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो मॉडर्ना वैक्सीन हो, चाहे वो आने वाली जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन हो, चाहे वो फाइजर की वैक्सीन हो, और अभी वर्तमान में हमारे देश में 3 वैक्सीन जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन और आपका स्पूतनी वैक्सीन का अभियान चल ही रहा है, निश्चित रूप से हम इसके लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। दीपक जी, ये तो रही अच्छी बात है कि सरकार की कोशिशें हैं वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अनलॉक के बाद जिस तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है बाजारों में, कोई जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की बात की जाती है लेकिन कहीं से कहीं तक भी कोई सख्ती या मुस्तैदी दिखाई नहीं दे रही। दूसरा, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी जो सरकार की कोशिशें हैं उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? निश्चित रूप से हमारी जो प्रदेश की जनता को हम समय समय पे हमारे प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो जनता को सचेतते आए हैं कि आपको सुरक्षा बरतनी पड़ेगी, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, सैनिटाइजर का उपयोग करना पड़ेगा अगर हमें थर्ड वेव से लड़ना है। तो
और उनसे थर्ड वेव आए ही ना, ऐसी अगर हमें जो आशा है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वैक्सीन का अभियान चल रहा है तो ऐसी आशा कि नहीं आएगी, पर उसके साथ साथ जनता को भी सतर्क रहना पड़ेगा। और जो जैसे जनता में अचानक दीपक जी वस्तु स्थिति दूसरी है, आप खुद जाके बाजारों में देखिए कि किस तरह लोग जागरूक हैं। बहुत सारी जो है लापरवाहियां अभी भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उन्हें समझाइश देने वाले या इस कोरोना गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करवाने की दिशा में प्रयास जो है बिल्कुल भी ना के बराबर बाजारों में दिखाई देते हैं। दीपक जी आपके पास लौटूंगा इस पर अपनी चर्चा हम जारी रखेंगे। अमित तावरे जी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। अमित जी, क्या कहेंगे सरकार की कोशिशों पर? जी देखिए, जो भी सरकार को लेकर यदि कहा जाए तो कुछ कहने लायक तो बचा नहीं है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन अभियान जो शुरू हुआ है जी, उसकी हम तारीफ करते हैं। सारे जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनकी हम तारीफ करते हैं, शासन प्रशासन की सभी की तारीफ करते हैं, लेकिन पिछला दौर जो गुजरा है जी, उसमें जो अव्यवस्थाएं सामने आई, चाहे ऑक्सीजन की कमी को लेकर, चाहे बेड की कमी को लेकर, वो दौर हम भूल नहीं सकते हैं, वो अव्यवस्थाओं का दौर हम भूल नहीं सकते हैं। और जो एक सरकारी नाकामी जो हमने देखी थी जी, उसी का ये परिणाम है कि वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में जो एक उत्साह और जो जागरूकता, जो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि वो दौर उन्होंने देखा है कि सरकारी, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, क्या अव्यवस्थाएं थी आज से कुछ महीने पहले। लेकिन निश्चित तौर पर हमको आगे बढ़ना है और सरकार वैक्सीनेशन अभियान कर रही है, निश्चित तौर पर एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में जी, हम सरकार के हर कदम के साथ खड़े हुए हैं जी। लेकिन जिस तरीके से चर्चा हुई वैक्सीनेशन अभियान में, जो आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई गई, तो वो कहीं ना कहीं सरकार को इन सब चीजों से बचना चाहिए जी, और एक प्रचारवादी सरकार को अपने रुख से बचना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार अभी इंदौर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री जी, जिसमें 85 वार्डो में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी, धन्यवाद देने जाएंगे जी। मुझे लगता है कि अभी मध्य प्रदेश की खस्ताहाल स्थितियों को लेकर ये जो खर्चा यदि बचाएं, वही इंदौर में यदि हम सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में यदि खर्च करें, तो मुझे लगता है कि लोगों को इससे सीधा फायदा होगा। अपनी प्रचार को सरकार को रोकना चाहिए और अंतिम व्यक्ति तक ये जो सरकारी सुविधाएं हैं इसमें पहुंचना चाहिए। और कोरोना को लेकर जिस तरीके से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कोर्ट में ये कह दिया कि हम जो है वो 4-4 लाख रुपए हम नहीं दे सकते, हमारी इतनी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, ये कोर्ट के अंदर सरकार ने कहा है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, अपने जो बेलगाम खर्चे हैं, जो प्रचार प्रसार के ऊपर खर्च हैं, उनको उस तरीके से कम करके जो कोरोना में लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों को यदि ये राशि दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि सच्ची सहायता हम उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे, ये हमारी मांग है। और बाकी मैं फिर से एक बार कहूंगा, वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कि जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हालांकि समय समय पर सरकार उनके साथ जो अन्याय करती है, वो लगातार सड़कों पर आकर न्याय मांगते हैं, चाहे हम हमारी बहन आशा उषा कार्यकर्ता की बात कर लें या संविदा चिकित्सकों की हम बात कर लें जी, तो उनका ध्यान भी जो है वो सरकार को रखना चाहिए, तभी जाके ये वास्तव में इसका जो लक्ष्य है हम प्राप्त कर सकेंगे जी। अमित जी आपके पास लौटूंगा। खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खिलावन जी, क्या कहेंगे, महावैक्सीनेशन अभियान एक बार फिर 1 जुलाई को देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में टारगेट भी जो है तय कर दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से अमित बोल रहे थे कि बहुत अच्छी पहले सरकार की, सरकार जो कोशिश कर रही है उसके साथ हम विपक्ष भी पूरा तैयार है, लेकिन प्रचार प्रसार पर जोर देने से ज्यादा यदि जो है कोरोना पीड़ितों की सेवा में वो राशि खर्च की जाए, और दूसरा चौथी वैक्सीन भी आ गई है जो है सिप्ला की, मॉडर्ना को अनुमति दे दी गई, उसके अलावा एक खबर और है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कह दिया कि मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इस बीच हो रही हैं, चल रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बात कर वैक्सीनेशन अभियान जी, तो निश्चित रूप से 1, 2 और 3 जुलाई को पहले से घोषणा हो चुकी थी, 18 दिन पहले इस बात की हम एक महाअभियान इस दौरान चलाएंगे, और उसमें भाजपा का जो संगठन है उसने भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी करने की बात कही थी। तो मुझे लगता है कि यदि
वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है एमपी में जी। और हमारे जो वैक्सीनेशन लगाने वाले वर्कर हैं वो बिना किसी रुकावट के यदि काम पर रहे मौजूद रहे तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है जी। और वैक्सीनेशन के एकमात्र उपाय माना जा रहा है जो कोरोना की थर्ड वेव को भी रोक सके, तो मुझे लगता है कि सरकार के इस कदम का सबको स्वागत करना चाहिए। अमित ने स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब लगातार वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके उसके जो है आंकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कोरोना से मौतों पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, इस बीच अमित जैसे लोग आकर के ये बात कहते हैं, स्वागत करते हैं वैक्सीनेशन अभियान की, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि पूरे समाज को, हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को, हर राजनीतिक दल को, हर समाज सेवी को और हर आम नागरिक को इस अभियान में से आकर जोड़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके इसकी कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि जो चौथा वैक्सीन जो है भारत को उपलब्ध हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास स्वदेशी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इसके अतिरिक्त रूस की स्पुतनिक भी आ रही है, स्पुतनिक भी। तो मुझे लगता है कि यदि मॉडर्ना जो वैक्सीन है जो सिप्ला कंपनी की है, सिप्ला कंपनी बहुत जाना वाना नाम है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कर आने वाली बहुत सारी दवाइयों में सिप्ला का जो है वो बहुत बेहतर योगदान रहता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो बहुत अच्छी वैक्सीन है। और जो अमेरिका से जो बाईपास हुआ है, अमेरिका से जो उनके प्रभाव को नापा गया है, तो सबसे ज्यादा अभी जब जो वैक्सीन उपलब्ध है उसमें सबसे ज्यादा 94% तक प्रभावी माना जा रहा है इसे। और कुछ बातें हैं दाम को लेकर के, कीमत को लेकर के अभी संशय की स्थिति है, अभी ये भी एक संशय की स्थिति है कि 2 से 8 डिग्री तक उसको रखा जाना है, स्टोरेज करना है, तो हमारे यहाँ 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के कितने स्टोरेज के संसाधन है, और बहुत सारी चीजें और हैं सीमित मात्रा में उपलब्ध है। मुझे लगता है कि अभी हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाएगी, कुछ चुने हुए संस्थानों को, चुने हुए हॉस्पिटलों को ये उपलब्ध हो पाएगी। चलिए चंद्राकर जी, लेकिन लेकिन चौथा एक बड़ा राहत की बात है कि जिस तरह की कोशिशें की जा रही है सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार की कोशिशें, तो लग रही है कि हर हाल में हर कीमत पर जो है कोरोना को जो है जड़ मूल से खत्म करने के प्रयास जो है वो जारी हैं। लेकिन इस बीच भी कई तरह की खबरें आती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। दीपक जी से पूछूंगा, दीपक जी एक तरफ ये जो पूरा अभियान जो चल रहा है सरकार का वो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, चाहे महावैक्सीनेशन अभियान की हम बात करें, चाहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया को हम जारी रखने की बात करें, लेकिन इसी बीच इन तमाम अभियानों को, इन तमाम कोशिशों को सफल बनाने वाले जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्हीं के बीच में जो बार बार बीच बीच में जो असंतोष जो देखने को मिलता है, अभी कुछ दिन पहले जूडा ने हड़ताल की, नर्सों की हड़ताल जो है वो एक बार फिर जो है सामने आ गई है, 40,000 नर्सें हैं जो आज बेमियादी हड़ताल का ऐलान उन्होंने किया है और काम बंद करने की बात करें, तो ऐसे में जो पीड़ित हैं, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, उनकी सेवा कौन करे, तो ये भी सरकार को सोचना होगा कि जो लोग इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जो निभा रहे हैं, निभाते आ रहे हैं, उनके उनकी सुध लेने के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, बीच का रास्ता निकालें या किसी भी तरह का जो गतिरोध जो बन रहा है उसे खत्म करने की कोशिशें करें, तभी इन अभियानों को हम जो कह सकते हैं कि 100% सफलता उनकी सुनिश्चित की जा सकती है। दीपक जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भाई साहब मैं हमारे जो विपक्ष के हमारे कांग्रेस मित्र बैठे हैं उनका मैं धन्यवाद कहूंगा कि सरकार की कम से कम जो रीति नीति है उससे प्रभावित होकर उन्होंने हमारे महाअभियान की तारीफ की और एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका है उन्होंने निभाई। और भाई साहब जहां तक आप असंतोष की बात कर रहे हैं तो ये हमारा भारत देश है, लोकतंत्र में सबको अपना बात कहने का अधिकार है और निश्चित रूप से समय समय पर हमारी सरकार है, चाहे वो हमारी आशा कार्यकर्ताएं की बहनें हों, चाहे हमारे ये जूनियर डॉक्टर्स हों, चाहे हमारी नर्सेस हों, सबकी हमारी हमेशा बात सुनी है और उनका उनके जो भी उनकी मांगे हैं या जो भी उनकी बातें हैं उनको सरकार बहुत गंभीरता रूप से लेती है और उसको पूरा करने की कोशिश करती है। और शायद अगर उनका साथ ना होता या उनका योगदान ना होता तो आज हम इतने बड़े स्तर पे आज मध्य प्रदेश को, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होना मध्य प्रदेश के लिए अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है।
तो उनका सहयोग नहीं है या इस प्रकार की बातें जो है ये अनगढ़ बातें हैं। अब अमित जी ने एक बात कही थी इसके पहले कि हमारी जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है वो प्रचार प्रसार में अपना पैसा ना खर्च करे, तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को अपनी जो महाअभियान की बातें हों या वैक्सीनेशन से रिलेटेड बातें हों, जैसे हमारे देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी मन की बात के थ्रू अगर जनता को जागरूक करना ये हमारे कांग्रेस मित्र को प्रचार लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारी चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जनता को जागरूक करने के लिए जो जो प्रयास करने पड़ेंगे उसके करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि जो भी वैक्सीन को लेके कई लोगों के मन में संशय है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग मर जाते हैं या वैक्सीन लोगों के लिए अच्छी नहीं है, अगर जब तक ये भ्रम जनता के मन से नहीं निकलेगा तो निश्चित रूप से हमारा जितना भी हम बड़ा अभियान करने की कोशिश करें वो उसमें कहीं ना कहीं करने में हम असफल साबित होंगे। तो अगर हम जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को बताने के लिए, उनके अंदर भ्रम अच्छी बात है दीपक जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रचार प्रचार एक बड़ा माध्यम होता है जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अच्छी बात है कि सरकार लोगों को जागरूक करने की बात कर रही है और काम कर रही है और प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कई मोर्चों पर सरकार की उदासीनता जो है कई बार चिंता में डाल देती है। अब जैसे ठीक है कि जो कोरोना पीड़ित हैं, जो संक्रमित हैं, उनके इलाज के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो एक अलग बात हो गई, जो लोग संक्रमित नहीं है लेकिन उन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाकर कि वो संक्रमित ना हो जाए, वो बच सकें, इसके लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन जो गंवा चुके हैं अपनों को कोरोना में, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के भरण पोषण के लिए योजनाएं भी चला दी गई, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो अभी तक होता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि कोरोना बीमारी से जो जिनका देहांत हुआ है, जिनका निधन हुआ है, उनको मुआवजा देना ही होगा, वो मुआवजे की जो क्या राशि होना चाहिए वो सरकार तय करे, इस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। तो सरकार यदि खुद संज्ञान लेकर के यदि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आए और वो चीज़ों को समझे तो इस तरह की बातें ना तो सामने आएंगी ना विपक्ष सवाल उठा पाएगा, क्या कहेंगे दीपक जी? निश्चित रूप से भाई साहब, जो जाने मध्य प्रदेश में या पूरे देश में गई हैं उस एक एक जान के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और कहीं ना कहीं हम दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि किसी के पिता चले गए, किसी कई बच्चे अनाथ हो गए, तो कहीं ना कहीं उनके साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने स्वयं आगे आके उन पीड़ितों की घोषणा की और घोषणा की है दीपक जी, अभी तक क्रियान्वयन होता दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल क्रियान्वयन होता दिखाई दे रहा है। अभी जैसे हमारे प्रशिक्षण वर्ग में या हमारी प्रदेश समिति की बैठक हुई तो उसमें भी ये मुद्दा रखा गया कि हमें सत्ता के साथ साथ संगठन को भी पैरेलल रख के जो जो हमारे पीड़ित हैं, जिनकी घर पे ये दुख हुआ है, जिनके घर पे ये बहुत बड़ी घटना हुई है, उनको जो मुआवजे की राशि है वो दिलवाने के लिए हमारे कार्यकर्ता भी आगे आए। और सीधी से बात है कि उसके लिए क्रियान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जो भी घोषणाएं हुई है उसको पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और उसके लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा से प्रतिबद्ध रहे। जी अमित, क्या कहेंगे? क्योंकि पैरेलल बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सिर्फ महावैक्सीनेशन अभियान की बात ना करें, ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात ना करें, बेडों की संख्या बढ़ाने की बात ना करें, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कोरोना की वजह से लोगों की परेशानी का सबब बनी, खासतौर से जिनके घरों में लोग नहीं रहे, कोरोना की वजह से जिनकी जानें गई, उनके परिवार जो हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए ठीक है सरकार ने कोशिश की, 5,000 रुपये मासिक उनको देने की घोषणा की, लेकिन उसके अलावा भी कई घोषणाएं सरकार ने की थी लेकिन उनका क्रियान्वयन जो है वो ठीक तरह से होता दिखाई नहीं दे रहा है। दीपक जी तो हालांकि बोल रहे हैं कि हम संवेदनशील सरकार है और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? अमित सुन पा रहे हैं आप हमें? अमित आप सुन पा रहे हैं हमें? अमित जी से अभी हमारा संपर्क टूट गया है, जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। चंद्राकर जी, यही वो सवाल है जो अभी इस वक्त लोगों के जहन में है, इन सब तमाम चीजों को, इन दुश्वारियों को किस तरह से देखते हैं आप? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो डेट सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, यदि मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा या जो सहायता राशि दी जाएगी उसमें डेट सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। और यदि सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत का उल्लेख नहीं है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सम्यक रूप से जिस तरह से सरकार की मंशा है क्या वो पूरी हो जाएगी, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कल जो निर्देश जारी किया है, निश्चित तौर पर जब सरकार ने पहले 4 लाख रुपया प्रति
मृतकों को देने की बात कही थी उस पर इम्प्लीमेंट हो, इस पर जोर दे रही है सुप्रीम कोर्ट और निर्देश स्पष्ट जारी किया समस्त राज्यों को कि वो जो है ये राशि का वितरण करे। केंद्र सरकार से भी कहा इस राशि का वितरण कराई जाए। तो मुझे लगता है यदि डेथ सर्टिफिकेट में इस बात का उल्लेख मर्ज नहीं किया जाएगा कि यह मौत जो है वो कोरोना के कारण होगी है, तो बहुत मुश्किल होगी। कहीं कहीं इसमें नहीं चंद्राकर जी, ये आप ही की बात को मैं जोड़ रहा हूं इसमें कि इसका सरलीकरण भी होना बहुत जरूरी है। कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में जो मौतें हुई हैं, जो सिर्फ कोविड का इलाज कर रहे थे उन अस्पतालों में जो मौतें हुई हैं, यदि अस्पताल ने जो सर्टिफिकेट दिया उसमें नहीं लिखा होता है कि यदि कोरोना से ये मौत हुई है लेकिन कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल थे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उन पर सरकार को ध्यान देना होगा और इस पूरी ही प्रक्रिया को कम से कम सरल बनाना होगा ताकि जो पात्र हितग्राही हैं, जो वास्तविक लोग हैं जिनके घरों में मौतें हुई हैं, उनके परिजनों को, उनके परिवारों को निश्चित तौर पर सहायता मिल सके। तो इसके लिए सरकार को कम से कम इन प्रक्रियाओं को सरल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी इतने पैच हैं कि वास्तविक हितग्राही जो हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं उनको लाभ मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। क्या कहेंगे अविनाश जी? आपका विचार ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि बहुत प्रक्रिया में बहुत पेचीदगी है और सरकार ही एकमात्र ऐसा तंत्र है जो इस पेचीदगी को दूर कर सकती है। सरकार हमसे कोई दस्तावेज या आम आदमी से या जिसके जिन परिवारों में कैजुअल्टी हुई है उन परिवारों से दस्तावेज मांगती है, वो देने के लिए तैयार है जी। लेकिन क्या उन दस्तावेजों को स्वीकार कर लेगी सरकार, उसके आधार पर मुआवजा प्रदान कर देगी? यदि डेथ सर्टिफिकेट में उल्लेख नहीं है इस बात का कि कोरोना से हुई है तो कैसे कैसे हो पाएगा ये? अभी अभी बहुत आपने कोरोना वायरस का कोरोना वॉरियर्स की जो मौतें हुई है, पुलिस कर्मचारियों की मौतें हुई है, स्वास्थ्य कर्मियों की मौतें हुई है, उसमें भी अभी देख रहे हैं, अभी दो तीन दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें अभी तक सिर्फ पुलिस कर्मियों के जो मौतें हुई है उसमें 9 लोगों के परिवारों को ही इस तरह की सहायता दी जा रही। लेकिन सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है कि बहुत सारे ऐसे कोरोना वॉरियर्स के परिजनों को, पात्र परिजनों को नौकरी जो है ना कंपन नियुक्ति दी जा रही। उस दिशा में सरकार का कदम बेहतर है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें सरकार और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित होना चाहिए, करना चाहिए इसमें। लेकिन फिर वही बात आ रही है, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं चंद्राकर जी, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, नियम और प्रक्रियाओं की जटिलताओं पर सवाल है जी। प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा सकता है, प्रक्रिया यदि सरल नहीं की जाएगी, जटिलता समाप्त नहीं की जाएगी, तो क्या आप भी और मैं भी, अमित जी भी और दीपक जी भी इस बात को सोच सकते हैं, आम आदमी सोच सकते हैं कि यदि प्रक्रियाओं की जटिलता को दूर नहीं किया जाएगा, सरलीकरण नहीं किया जाएगा, तो पात्र लोगों को जो लाभ पहुंच रहा है वो नहीं पहुंच पाएगा जी। अविनाश, बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। अमित तावरे हमारे साथ जुड़ गए, अमित जी क्या कहेंगे आप यदि सुन रहे हो हमारी चर्चा को? तो देखिए, बड़े ही दुख के साथ मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है कि सरकार की मंशा पर ही सवाल उठ रहा है। सरकार का महत्वपूर्ण अंग है मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद। आशा और ऊषा कार्यकर्ता जैसी बहने जब हमारे अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए रोडों पर धरने पर बैठती हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री जो है उनको धमकी देते हैं कि 24 घंटे के अंदर काम पे लौटो वरना सबको बर्खास्त कर दूंगा। कोरोना काल में जो कोर्ट ने आदेश दिया एक कि सरकारी क्या आप जितने भी स्कूल है प्राइवेट स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते, उसको लेकर कल अभिभावक जो है बंगले पर मिलने गए मंत्री से, तो मंत्री ने कह दिया मरना है तो मरो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पीछे सब सरकार के लोग हैं, अभी कैसे कैसे कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? आपने तो लोगों को अपने हिसाब से छोड़ दिया है, वैक्सीनेशन अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए कि जो हमें जल्दी बात खत्म करिएगा प्लीज जी, हाँ, जो महत्वपूर्ण योद्धा है यदि आप उनके साथ न्याय की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनको आप न्याय नहीं देंगे, तो तीसरी लहर खुदा ना खास्ता यदि आती है तो उनसे बचाने के लिए आपके पास कौन से अंग है जी? किसके साथ आप ये लड़ाई लड़ेंगे? तो मेरा फिर सरकार से ये मांग है कि जो कोरोना हमारे वॉरियर्स है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे संविदा चिकित्सक हो, चाहे ऊषा आशा कार्यकर्ता हो, इनकी तमाम समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, सभी वास्तविक जो है तीसरी लहर कर पाएंगे। बिल्कुल, अंतिम प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा दीपक जी, आप कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करके जवाब देना चाहें तो, जो बातें अभी बीच में हुई जैसे कोरोना, जो कोरोना से जिनकी मौतें हुई उनके
परिजनों को मुआवजे की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन नियम प्रक्रियाओं में जटिलताएं हैं। आशा उषा कार्यकर्ताओं का जो है वो एक मामला लगा हुआ, जो बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने कोरोना काल में पीड़ित मानवता की सेवा में निभाई। नर्सेज की हड़ताल है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं। तो कई जो जिस तरह के ये गतिरोध बने हुए हैं, सरकार को उससे भी निपटना है। और ख़ासतौर से कोरोना पीड़ितों की ही सेवा नहीं, कोरोना में मारे गए जो लोग हैं उनके परिवारों का ध्यान रखने की भी जो बात सरकार कह रही है, उस पर किस तरह से अमल हो और पात्र हितग्राही कम से कम ना छूटें, इस बात का ध्यान रखे सरकार। क्या कहेंगे अंतिम प्रतिक्रिया में? सिर्फ आपको साफ साफ अपनी जो सरकार का रखे वो साफ कर देना चाहता हूँ कि जो हमारी सत्ता है, जो हमारी सरकार है, उसके साथ साथ हमारे संगठन का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रदेश पदाधिकारी हो, हमारे जो भी हितग्राही हैं, जो भी हमारे पात्र धारक हैं, जो मुआवजे के हकदार हैं, उन तक वो असली फायदा पहुंच सके। और ऐसे लोग जो पात्रता नहीं रखते हैं या किसी प्रकार की जालसाजी है इनके थ्रू अगर किसी प्रकार की रकम ऐंठने के हैं और उन तक वो चीज न पहुंचे और असली हितग्राहियों तक चीजें, इसके लिए हमारा संगठन और सत्ता दोनों ही मजबूत रूप से कार्य कर रहा है और आगे भी कार्य करेगा। दीपक जी, इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, जटिलताएं हैं, जैसा अभी चंद्राकर जी भी कह रहे थे कि डेथ सर्टिफिकेट पर जो है वो कोरोना से मौत हुई नहीं, कई इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन उनका सरलीकरण किस तरह से सरकार करेगी, उन्हें किस तरह से चिन्हित करेगी, उन्हें किस तरह से वेरीफाई करेगी, और जो पात्र हितग्राही हैं वो उनको इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके, उस दिशा में क्या कुछ नियम कायदे बनना चाहिए, किस तरह की चीजें होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सरकार क्या करेगी? जी निश्चित रूप से भाई साहब, आप बहुत अच्छा सवाल हमारे माननीय चंद्रकांत जी ने किया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदेश के एक यशस्वी पत्रकार हैं, पर उसके साथ साथ हमारी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ साफ चाहे हमारे जिला अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, उनको एक स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो भी कोरोना से मौतें हुई हैं, जो आंकड़े हैं, वो साफ साफ आंकड़े हमारे पास पहुंचाए जाए। और उसके साथ साथ जो सर्टिफिकेट पे, जैसे कि कोई भी मौत अगर कोरोना से या कोरोना के बाद अगर पोस्ट कोविड के दौरान मौतें हुई है, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले प्लेटफॉर्म पे ये चीज बोल चुके हैं कि वो भी हितग्राही हैं और उनको भी ये फायदा मिलेगा। तो सरकार इस चीज के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और आगे भी प्रतिबद्ध रहेगी। और एक हितग्राही, एक एक पात्रधारक जिसके घर पे ये घटना हुई है, हालांकि सरकार का जो पैसा है, हम उस दुख को तो दूर नहीं कर सकते, उस कमी को तो दूर नहीं कर सकते, पर जितना सरकार की तरफ से उन्होंने घोषणाएं हुई हैं वो पूरी करने के लिए सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी। बिल्कुल, इस चीज का वादा मैं आपके चैनल पे कर सकता हूँ। चलिए दीपक जी, बहुत अच्छी बात है, सरकार की मंशा पर जो है वो सवाल नहीं है, सवाल नियम प्रक्रियाओं के ऊपर है कि उनकी जटिलताओं को समाप्त कर जल्द से जल्द जो है घोषणाएं जो सरकार ने की हैं उन पर अमली जामा पहनाया जाए। और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट को यदि बीच में दखल देना पड़ रहा है सरकार के लिए, तो ये भी सोचना होगा सरकारों को कि क्या हमें कमी रह गई जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर कोरोना से जो पीड़ित हैं उनकी बात जो है अब सुप्रीम कोर्ट कहने लगा है। तो सरकार को इस दिशा में भी ध्यान देना होगा, बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ काम करना है सरकार के लिए, मुश्किलों का समय है और जनता के लिए भी कम मुश्किलों भरा ये दौर नहीं है। हम जल्दी इस दौर से सरकार और हम सब उभर सकें, यही सबकी कोशिश है और होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, हमसे चर्चा में आपने हिस्सा लिया। खिलावन जी आपका बहुत शुक्रिया, अमित जी आपका बहुत शुक्रिया। तो कोरोना पर वैक्सीन का महावार जो है वो होने वाला है, इसके अलावा भी कई चुनौतियाँ हैं सरकार के सामने, उन चुनौतियों से भी सरकार को उभरना है ताकि कोरोना जनित बीमारियों से ग्रसित लोगों का उचित इलाज हो सके, जो इसमें मारे गए हैं उनके परिजनों को मुआवजा मिल सके, और जो लोग कोरोना से बच गए हैं उन्हें किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए भी सरकार जो प्रयास कर रही है वो भी कोशिशें किस तरह से सामने आती हैं, और कई चुनौतियों का सामना सरकार जो कर रही है, उन चुनौतियों से जल्दी हम मिलजुल कर उभर सकें और सरकार का हम भी सहयोग करें ताकि कोरोना से हमें जल्दी मुक्ति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आज की बात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।